एक वक्त था जब गांव हो या शहर हो, कहीं पर आपराधिक घटना को अंजाम देना है तो आपराधिक गिरोह शहर के होते थे, उसके आसपास पड़ोसी जिले के होते थे, या कभी कभी अंतर्राज्यीय गिरोह होता था। लेकिन न तो आपको अंदाजा होगा न हम खबरनविसों को इस बात का अंदाजा था कि गढ़वा जैसे जिले में अपराध की घटना को अंजाम देने के लिए देश में नहीं बल्कि विदेश में रणनीति बनी है। यह बात हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज इसका खुलासा हुआ है कि झारखंड के गढ़वा में आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए मलेशिया में एक आपराधिक सरगना द्वारा रणनीति बनाई गई। रणनीति बनी, वहां टेलीफोनिक बात हुई। वो आपराधिक सरगना मलेशिया के कुआलालंपुर में रहता है, वहां से उसके द्वारा झारखंड के सिमडेगा जेल में बंद अपराधियों से बात होती है, रणनीति बनती है, पूरा प्लान तय होता है, घटना की तारीख तय होती है, कहां घटना को अंजाम देना है यह मुकर्रर होता है, और आपराधिक गिरोह के गुर्गे गढ़वा पहुंचते हैं, जहां उनके द्वारा एमजीसीपीएल कंपनी द्वारा, कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा गढ़वा के मेराल में फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। अभी काम चल ही जा रहा है, निर्माणाधीन है। उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी से लेवी को लेकर, यानी रंगदारी की मांग को लेकर के यह गोली चलाई गई। घटना 11 जुलाई की, 11 जुलाई की शाम में एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन अब उसी गिरोह के गुर्गे पहुंचते हैं, जहां उनके द्वारा गोली चलाई जाती। यही वह साइट है, यानी वही निर्माणाधीन फ्लाईओवर है, आप देख रहे हैं, जहां पर गोली चलाई गई। आपको अस्थाई घरनुमा एक दिख रहा होगा। 2 दिन पहले जिनके द्वारा गोली चलाई गई थी, उन लोगों ने पहले यह सोचा, फ्लाईओवर पर गोली चलाने की रणनीति नहीं थी, यह था कि जहां पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग कर्मचारी रहा करते हैं, गोली हम वहां चलाएंगे, दहशत तो वहां पैदा करेंगे, तब हमें जो चाहत है लेवी लेने की वह चाहत पूरी होगी। लेकिन वहां रेकी करने के बाद भी गोली चलाने में वो कामयाब नहीं हुए, तब जाकर के उनके द्वारा इस फ्लाईओवर पास, एक नंबर पिलर पास गोली चलाई। घटना के बाद कुछ ही देर बाद गढ़वा पुलिस कप्तान दीपक कुमार पांडे, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नीरज कुमार पूरे दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, क्योंकि गोली चलाने की घटना के बाद वह तीनों फरार हो चुके थे। वहां पहुंचने के बाद घटनास्थल का जायजा इनके द्वारा लिया गया। सभी लोग फिर थाना पहुंचे, वहां घटना की जानकारी कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारियों से ली गई। उस वक्त वहां मौजूद थे, कर्मचारी थे, मजदूर थे, सभी से घटना की जानकारी ली गई एसपी द्वारा, और तत्काल एक एसआईटी टीम का गठन किया। उस एसआईटी टीम द्वारा अथक प्रयास किया गया, क्योंकि हम हर बार कहा कहते हैं कि गढ़वा पुलिस कप्तान के कुशल नेतृत्व में जब भी किसी घटना का अनुसंधान होता है वह पूरा होता है। इसका भी अनुसंधान हुआ, जो एसआईटी टीम का गठन किया गया था उसका नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नीरज कुमार कर रहे थे, और अनुसंधान पूरा हुआ और उसमें से दो लोग, तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। गोली चालन की घटना को जिनके द्वारा अंजाम दिया गया था, उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज उनकी गिरफ्तारी हुई। जिला मुख्यालय के पास में अवस्थित है डुमरो का, उसी सड़क पर होने की सूचना मिली थी पुलिस द्वारा, जो टीम गठित की गई थी एसपी द्वारा,
उस टीम द्वारा उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आइए हम वो तस्वीर दिखाते हैं। यही वो दो लोग हैं जो पुलिस अधीक्षक के और सभी अधिकारी यहां मौजूद हैं, उनके पीछे खड़े हैं चेहरा ढके हुए। यह वही अपराधी सरगन है जिसका नाम लेना हम शुरुआत में भूल गए थे, मयंक सिंह। मयंक सिंह जो मलेशिया के कुआलालंपुर में रहा करता है, अपराधी सरगना है जो अमन साहू गिरोह से जुड़ा हुआ है। अमन साहू और मयंक सिंह ये दोनों एक साथ मिलकर करके अब अपने गिरोह को आगे बढ़ा रहे हैं, घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो अमन साहू गिरोह के और मयंक सिंह दोनों के गिरोह के दोनों गुर्गे जिनके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था मेराल कंस्ट्रक्शन साइट पर, तो इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि वक्त था बना करते थे अपराधी गिरोह, लेकिन अब विदेश की धरती पर ही सात समंदर पार रणनीति बन रही है किसी जिले में गोली चालन की घटना को अंजाम देने की। हम नाम बता दें आपको, विक्रम सिंह, सूरज केवर और सूरज पासवान। विक्रम सिंह बानो थाना सिमडेगा का रहने वाला है, सूरज केवर पालकोट गुमला और सूरज पासवान भी गुमला का ही रहने वाला है। तो की गिरफ्तारी हो चुकी है, बड़े जो घटना को अंजाम देने पहुंचे थे उनके द्वारा गोली चलने की घटना को अंजाम दिया गया था। आगे भी हो सकता था और रणनीति बनाते, क्योंकि दहशत फैलाना ही इनका काम था कि हमारा दहशत वहां पर कायम हो और कंस्ट्रक्शन कंपनी से हम पैसे की उगाही, लेवी की उगाही कर सकें। एक बहुत बड़ी खबर जो हमने आपको बताई कि गढ़वा में गोली चलाने की घटना को अंजाम देने की रणनीति विदेश में बनी थी, मलेशिया में बनी थी। इसे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि किस तरह अपराधी गिरोह अब नए तरीके से घटना को अंजाम दे रहे हैं। एक बात और जो पुलिस अधीक्षक ने बताई कि जब फोन से बात हो रही थी अपराधी सरगना मयंक सिंह की, जो जिन्हें गुर्गो द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था, उन्हें इस तरह से जानकारी दी जा रही थी कि आपको किसके साथ जाकर के घटना को अंजाम देना है, वह कहां का रहने वाला है, इसकी जानकारी नहीं दी जा रही थी। फलाना व्यक्ति, फलाना युवक लाल रंग का शर्ट पहने हुए है, टोपी लगाए हुए है, पहले जगह खड़ा है, उससे जाकर मिली। इस तरह सबका मिलाया गया और उसके बाद तब जाकर के इन्हें 65,000 रुपया दिया गया। 7 तारीख को 2 पिस्टल दी गई और 20 गोली और घटना का जगह बताया गया कि यहीं पर आपको गोली चलानी है, यहीं पर घटना को अंजाम देना है। इतना हो गया, रात में उपलब्ध कराया गया था इन्हें हथियार पैसा। अब इस घटना को अंजाम देने के बाद विक्रम सिंह रायपुर पहुंचा, छत्तीसगढ़ के रायपुर, वहां भी गोली चलाने की घटना को अंजाम दिया गया इनके द्वारा, केवल गढ़वा में ही, मेराल में ही नहीं। जो जानकारी दी गई एसपी द्वारा, जो विज्ञप्ति दी गई थी उसमें जानकारी दी गई है कि मयंक सिंह के निर्देशानुसार जो अन्य शूटरों को जिनको रायपुर में गोली चलाना था, उन्हें हथियार उपलब्ध कराया गया विक्रम सिंह द्वारा। उसके बाद विक्रम सिंह द्वारा गुमला आकर अपना पहना हुआ कपड़ा, मोबाइल तोड़कर जंगल में फेंक दिया गया, यानी यहां पहचान मेरी ना हो सके, जिसे बरामद करने के लिए टीम गुमला गई हुई है। अभी इस मामले का पटाक्षेप हम नहीं कहेंगे, पटाक्षेप नहीं किया गया पुलिस द्वारा, अभी भी इसमें पूछताछ जारी है, जो जिनकी गिरफ्तारी हुई है उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा पुलिस द्वारा और सारी जानकारी इनसे हासिल की जाएगी और ज्यादा खुलासा भी होना इसमें बाकी है। सुनिए आज पत्रकार वार्ता के जरिए इस पूरी घटना के बारे में एसपी ने और क्या बताया। अभी जानते हैं, विगत 11 तारीख को मेराल थाना अंतर्गत MGCPL की कंपनी जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, उस पर करीब शाम 6:30 बजे उसके कंस्ट्रक्शन साइट पे 3 लोगों द्वारा फायरिंग की घटना की गई थी। इस घटना के बाद मेराल थाना में कांड दर्ज करते हुए
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गढ़वा के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। टीम में हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर, डीएसपी प्रोबेशनर, थाना प्रभारी मेराल, थाना प्रभारी गढ़वा और कुछ ऑफिसर और टेक्निकल सेल के लोग थे। इनके द्वारा ये पूरे घटना का एक सफल उद्भेदन किया गया है और इसमें अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक विक्रम नाम का मुख्य शूटर जो यहाँ पे आया था, फायरिंग किया था, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। और यहाँ घटना करने के बाद ये जिस पिस्टल से यहाँ फायरिंग किया था उसको लेकर के रायपुर चला गया और रायपुर में भी किसी दूसरे व्यक्ति को ये पिस्टल दे करके वापस आया है और उसी पिस्टल से फिर रायपुर में भी घटना घटी थी। 2 और जो सहयोगी इसके पकड़ाए गए हैं वो इसको गाड़ी देने में और फिर 2 दिन पहले भी ये यहाँ पे आया था रेकी करने के लिए, तो उस रेकी में भी इसका सहयोग किए थे, तो उनकी भी गिरफ्तारी हम लोगों ने की है। ये पूरा जो गैंग है वो अमन साहू और मयंक सिंह का गैंग है। मयंक सिंह यहाँ से इंडिया से बाहर रहता है और वहीं से वो छद्म मोबाइल नंबर के माध्यम से इन लोगों को ऑर्गेनाइज करता है, ऑर्गेनाइज करके इस तरह की घटना लेने के लिए कारित करवाता है। विक्रम का, इन 3 लोगों का आपराधिक इतिहास पाया गया है। विक्रम अभी हाल में ही 29 जून को सिमडेगा जेल से बाहर निकला और सिमडेगा जेल में ही अमन साहू के 2 और लोग जो मुख्य लोग हैं वो बंद है वहाँ पे। तो इन लोगों द्वारा जो है एक पूरे तरह से षड्यंत्र रचकर इस घटना को अंजाम दिया गया है और इस घटना का सफल उद्भेदन किया गया है। उद्भेदन में जो हमारी एसआईटी की टीम थी तो उनको ड्यू रिवॉर्ड के लिए हम लोग ये करेंगे, मेरे स्तर से जो रिवॉर्ड देना है उसको देंगे और जो सीनियर ऑफिसर्स को रिवॉर्ड के लिए रिकमेंडेशन भेजना है तो उसको भी भेजें। नहीं, फायरिंग में जो हथियार है जैसा मैंने कहा कि ये ले जा करके रायपुर में दे दिया था और उसके बाद वहाँ जो घटना करने वाले थे उस हथियार का उन्होंने क्या किया है अभी तक उसकी बरामदगी नहीं हुई है, लेकिन इसका जो कन्फेशन है उसके हिसाब से हथियार ये यहाँ घटना करने के बाद रायपुर में लेके चले। आपने सुना पूरी जानकारी, हमने भी दी आपको, एसपी दीपक पांडे ने भी दी। एक बार आप फिर से कहेंगे कि अपराधियों का ट्रेंड अब बदल रहा है, आपने उनके उनकी जुबानी भी सुना, हमने भी आपको बताया कि अब अपराधी घटना को अंजाम देने के लिए कहीं लोकल स्तर पर नहीं बल्कि विदेश से हो रही है, सारी रणनीति तय हो रही है और विदेश की धरती से किसी जिले में घटना को अंजाम देने की रणनीति तैयार हुई है, जैसे इस घटना की रणनीति मलेशिया में तैयार हुई। इसमें और जब आगे खुलासा होगा तो उस खुलासे को आपके सामने एक बार फिर से लेके हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राहुल चौबे, भूमध्य कार्य से सीरीज, रांची कार्य से सीरीज। यहाँ पे जो लोग रांची जाते थे डाल्टेनगंज जाते थे, अब हम कोशिश किए कि डाल्टेनगंज रांची जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको सारा रेट बढ़वा डाल्टेनगंज मिला लीजिए, उसके बाद मेरे पास आइए, रांची से 2 रुपये आपको सस्ता पड़ेगा, रांची बनारस से जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सारा सामान यहाँ उपलब्ध है, अगर सामान नहीं मिला आप हमको ऑर्डर दीजिए, सेम डे माल उपलब्ध करा देंगे। क्या क्या यहाँ पे जैसे मिलेगा, कार का हॉर्न मिलेगा, बाजा मिलेगा, ब्लूटूथ मिलेगा, चार्जर मिलेगा, सीट बेल्ट मिलेगा, कवर मिलेगा, जितना भी प्रकार का बाजा आता है मेरे पास सारा उपलब्ध है। ओरिजिनल चाहिए ओरिजिनल देंगे, सोनी का दे देंगे, आइस का दे देंगे, एसी कंपनी का देंगे, जेबीएल का दे देंगे, सारा उपलब्ध है मेरे पास। गढ़वा से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, गढ़वा से रांची जाते थे, अब गढ़वा में ही सारा उपलब्ध है, रांची का रेट में।